नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक और आपराधिक घटना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का मेरा जनपद जहाँ यह घटना घटित हुई है वो शाहजहाँपुर है। बात 10 मार्च 2020 की है। थाना अल्लागंज, जनपद शाहजहाँपुर। गांव था महुआ गांठ। थाना महुआ गांठ से विवेक कुमार सनाफ महावीर थाने पर आए। उन्होंने बताया कि उनका भाई संजीव अपनी पत्नी के साथ लगभग 5 वर्ष से अपनी ससुराल गांव मनिहार नगला थाना अल्लागंज में रहने लगा था। मेरे भाई की पत्नी सुमन का चाल चलन अच्छा नहीं था, जिससे मेरा भाई संजीव बहुत दुखी और परेशान रहा करता था। अपनी पत्नी की जिदवश वो अपने ससुराल जाकर रहने लगा था। अब उसको उसके साले और पत्नी मेरे यहाँ नहीं आने देते। विवेक ने आगे बताया कि कल 9 मार्च को रात में 11 से 12 बजे के बीच में उनके भाई संजीव का अपनी ससुराल से फ़ोन आया। उसने कहा कि भैया मुझे आके ले चलिए, मेरी सास और दोनों साले मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार कर रहे हैं और वो किसी भी समय मेरी हत्या करा सकते हैं। वो बहुत घबराया हुआ था। उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। मैं अपने चाचा को लेकर आज सवेरे, यानी जिस दिन वो आया था, चाचा को लेकर आज सवेरे यानी 10 मार्च 2020 को उसके ससुराल मनिहार गोकुल नगला पहुंच गया। वहां देखा कि उसके जहां वो रहता था ससुराल में, उसका जो मुख्य द्वार है उसके सामने जाने वाली रोड पर किनारे मेरे भाई का शव रखा गया है। ससुराल वाले और गांव वाले वहां पर मौजूद हैं। शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की तैयारी हो रही थी। मैंने वहां जाकर जैसे ही पूछने की कोशिश की कि भाई मेरा भाई है, किसी को आपने सूचित नहीं किया, किसी को बताया नहीं कब तबीयत खराब हुई, कब इसकी मृत्यु हुई, और आप बिना घर वालों के अंत्येष्टि के लिए जाने को तैयार हैं, हमें दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है। लेकिन ससुराल वाले माने नहीं और वो अंत्येष्टि के लिए जाने की जिद करने लगे कि देर हो रही है। विवेक ने इंस्पेक्टर को ये भी बताया कि मैं अपने चाचा को वहाँ छोड़ कर आया हूँ कि वो किसी भी तरह से पुलिस के आने के पहले शव को लेकर अंत्येष्टि के लिए चल न दें, और मैं ये अनुरोध भी करता हूँ कि आप कृपा करके जल्दी से या तो स्वयं चलें या पुलिस को वहाँ भेज दें, वरना सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी अगर एक बार उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया तो। इंस्पेक्टर सुधाकर पांडे ने विवेक से कहा कि ये पूरी बात तुम लिख कर दे दो, सबसे पहले इसमें मुकदमा लिखवाते हैं, सही होगा मुकदमा आगे चलेगा, ख़त्म होगा फाइनल रिपोर्ट, गलत होगा फाइनल रिपोर्ट लगा दूंगा। विवेक ने तुरंत पूरा वाकया लिख दिया। पूरी तहरीर में उसने ये शक भी जताया कि मेरे भाई संजीव की हत्या हुई है और उसकी सास केसरवती और उसके दोनों साले सोनू और मुनीश, इनका हाथ उसमें हो सकता है। तहरीर पर थाने पर क्राइम नंबर 56/2020 धारा 302 लिख लिया गया और बहिश्तवा मुलजिम केसरवती यानी मृतक की सास और उसके दोनों लड़के यानी दोनों साले सोनू और मुनीश और मृतक की पत्नी सुमन के को शक के आधार पर मुलजिम बनाया गया। इंस्पेक्टर अल्लागंज सुधाकर पांडे वादी मुकदमा विवेक सिंह को लेकर तुरंत मौके के लिए रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने गांव मनिहार गोकुल नगला के ग्राम प्रधान, वहां के ग्राम चौकीदार और जिम्मेदार लोगों को ये कहा कि आप शव के पास पहुंचें और ये देखें कि शव को जबरदस्ती कोई अंतिम संस्कार के लिए ना ले जाए। 2019 के इलेक्शन के समय में एक कम्युनिकेशन प्लान सी प्लान बनाया गया था। अब सब चीज़ें मोबाइल बेस्ड हो गई हैं। एक ऐप डेवलप किया गया था, सभी जिलों ने डेवलप किया था,
जिसमें गांव के 7-8 जिम्मेदार लोग, जैसे ग्राम प्रधान वर्तमान का, हारा हुआ ग्राम प्रधान, क्योंकि उसकी भी बहुत से होती है और अगले इलेक्शन तक बड़ी कसीदगी होती है, तो सही बात पता करने के लिए दोनों का होना ज़रूरी है। पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, ग्राम चौकीदार, गांव का कोटेदार, गांव के पंचायत सचिव, ये जो सेमी गवर्नमेंट टाइप के पद हैं, इनके नंबर होते हैं और वो सबके मोबाइल में वो ऐप रहता है कि वो जिस गांव के बारे में कोई सूचना अगर टेलीफोन से मिलती है तो जिम्मेदार लोगों को वहाँ भेज कर दिखवा लेते हैं, या अगर कोई गंभीर सूचना कानून व्यवस्था की होती है तो उनकी मदद लेते हैं जब तक कि पुलिस वहाँ पहुँच न जाए। इसी के तहत उस गांव के जिम्मेदार लोगों को इंस्पेक्टर ने ये कह दिया कि आप लोग लाश के पास रहिए, हम चल दिए हैं, हम पहुँच रहे हैं। थाने से गांव करीब 15 किलोमीटर दूर थे। इंस्पेक्टर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँच गए तो देखा लाश अंत्येष्टि के लिए घर से बाहर वाले रास्ते पर किनारे रखी गई है। लाश के पास ही अंत्येष्टि में प्रयोग किया जाने वाला सामान अलग अलग पॉलिथीन के बैग में रखा हुआ है। लग रहा था जैसे अभी बिल्कुल जाने की तैयारी में है। इंस्पेक्टर ने वहाँ मौजूद लोगों से, जिनमें उसके ससुराल के लोग भी थे, ये पूछा कि भाई ऐसी क्या जल्दी थी, आपने इनके भाई को नहीं बताया, इनके चाचा को नहीं बताया, इनके घर वालों को नहीं बताया, और अंत्येष्टि की ऐसी क्या जल्दी थी। इस प्रश्न का कोई जवाब किसी ने संतोषजनक रूप से नहीं दिया, बल्कि बार बार पूछे जाने पर धीरे धीरे वहाँ से लोग खिसकने लगे। जब यह सुनिश्चित हो गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है और यह संभावित हत्या है, तो इंस्पेक्टर ने तुरंत कंट्रोल रूम को अवगत कराया और उनसे दो चीज़ों की रिक्वेस्ट की। एक कि डॉग स्क्वाड तुरंत भेज दिया जाए और दूसरा मोबाइल फॉरेंसिक टीम जो होती है उसको तुरंत भेज दिया जाए। घर वालों से पूछा गया कि ये कैसे, उनका सब सो रहे थे, ख़त्म हो गए, तो ये पता किया गया कहाँ सो रहे थे, किस कमरे में सो रहे थे, किस चारपाई पर सो रहे थे, यानी घटनास्थल वही होना चाहिए। उसको येलो टेप लगाकर सुरक्षित किया गया क्योंकि डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक वाले आने वाले थे, और दो आरक्षी वहाँ घटनास्थल पर जहाँ येलो टेप लगाया था छोड़ दिए गए ताकि कोई भी घटनास्थल को किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब न कर सके। चूंकि ये गांव हेडक्वार्टर से, यानी जनपद शाहजहांपुर जिला मुख्यालय से करीब करीब 75 किलोमीटर दूर है, इसलिए डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम दोनों के आने में थोड़ा विलंब हो सकता था। धीरे धीरे वहाँ पर सीओ जो वहाँ के हैं, अल्लागंज थाने का सुपरविज़न करते हैं, और एसपी रूरल, एसपी ग्रामीण, वो भी मौके पर पहुँच गए। सभी पुलिस अधिकारियों ने संयुक्त रूप से मृतक के शरीर की और मौके की बारीकी से जांच की। ये पाया गया कि मृतक के शरीर पर कोई जाहिरा चोट, ऐसी चोट जो दिखाई पड़ सके नंगी आंखों से, नेकेड आई से, कोई जाहिरा चोट नहीं थी। कोई भी भौतिक साक्ष्य उस स्थान पर नहीं मिला जहां मृतक का सोना बताया जाता था, यानी जो घटनास्थल तथा कथित घटनास्थल हो सकता था, वहां भी कोई भौतिक साक्ष्य नहीं मिले। भौतिक साक्ष्य से आशय कोई टूटी हुई चीज़, कोई छूटी हुई चीज़, कोई ब्लड के निशान, कोई ऐसे निशान जिनसे ये पता लग सके कि जो आने वाला आदमी था वो अकेला था, कई लोग थे, लेकिन किसी प्रकार के कोई भौतिक साक्ष्य नहीं मिले। इस बीच डॉग स्क्वाड भी आ गया। डॉग स्क्वाड घूम टहल के घर में ही रहा। बार बार स्मेल कराने के बाद भी वो वहीं घूमता रहा और एक बार उनमें से वो उस कमरे तक पहुंचा जिस कमरे में मृतका की पत्नी बैठी हुई थी। हैंडलर से पूछा गया कि इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, तो उसने कहा साहब ये पर्याप्त इंडिकेशन नहीं है, 6-7 स्मेल ट्रैक ट्राई करने के बाद ये एक ही बार गया वहाँ, बहुत देर तक टिका नहीं, और ज़्यादा अगर स्मेल होती तो वो भीतर जाकर पत्नी के कपड़े पकड़ने या पत्नी को पकड़ने का प्रयास भी करता, इसलिए ये बहुत सॉलिड एविडेंस नहीं दे पा रहा है हमारा डॉग। खैर उसको वहीं छोड़कर पंचायतनामा किया गया, शव पीएम के लिए भेजा गया,
लेकिन जिला मुख्यालय से गांव बहुत दूर होने के कारण उस दिन यानी 10 तारीख को शव पोस्टमार्टम के समय तक नहीं पहुंचा। सूर्य अस्त हो चुका था, इसलिए पोस्टमार्टम अगले दिन होना था। उसके अगले दिन यानी 11 मार्च को 2 बजे के बाद पीएम शुरू हुआ और उसके बाद जो उसमें समय लगता है 1 घंटे का कंडक्ट करा लिया गया। रात में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण एस्फिक्सिया ड्यू टू एंटी मॉर्टम थ्रॉटलिंग आया, यानी गला दबाने और दम घुटने से मृत्यु का होना बताया गया। क्लियर हो गया कि ये हत्या थी जिसको छिपाने का कुछ लोग वहाँ प्रयास कर रहे थे। अंतिम संस्कार होने का इंतज़ार कर रही थी पुलिस, क्योंकि बाकी पूछताछ वो कर सकती थी, बाकी काम कर सकती थी, लेकिन परिजनों से, और जैसा कि मैंने बताया था कि विवेक ने यानी मृतक के भाई ने सारे परिवार वालों को ही लिखा रखा था, उसकी पत्नी को, सास को और दोनों सालों को, लेकिन अंत्येष्टि हो जाने के बाद ही उनसे पूछताछ की जा सकती थी। इस बीच में मृतक की पत्नी, सास, सालों और बाकी जो कंसर्न लोग थे उनके नंबर सर्विलांस वालों को दे दिए गए कि शायद सर्विलांस से कोई लीड मिल सके। शुरू हुई इन्वेस्टिगेशन और गांव में जाने से बार बार जब सब लोगों से पूछताछ हुई, गांव में जानकारी की गई, जो अपने मुखबिर हैं, अपने स्रोत हैं, उनसे जानकारी की गई, तो सिर्फ इतना पता लगा कि ये महिला, मृतक की पत्नी सुमन, बहुत तेज और आधुनिक विचारधारा वाली महिला थी और शायद इसीलिए ज़्यादातर लोगों ने उसके चाल चलन पर प्रतिकूल टिप्पणी की थी। लोगों ने बताया कि एक व्यक्ति कोई मोटरसाइकिल से भी कभी कभार आया करता था और काफ़ी देर तक वो घर में रहता था, उसके बाद ही जाता था। ये बात इम्पॉर्टेंट थी, इसलिए इंस्पेक्टर ने फौरन सर्विलांस वालों को बताया कि एक बात यह रही है कि कोई व्यक्ति इसके यहाँ आता जाता था, मोटरसाइकिल पर चलता था, यंग था, तो इसके CDR पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए मृतका के, और देखा जाए कि क्या इसमें एक या एक से अधिक फ्रीक्वेंट कॉलर्स यानी जो ज़्यादा बात करने वाले हैं, फ्रीक्वेंट कॉलर्स तो नहीं हैं, और अगर हैं तो उनका नाम पता भी निकाल के बताया जाए, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि चीज़ें मृतक की पत्नी के आसपास ही हैं। कुत्ता भी एक बार गया, हालांकि वो पर्याप्त नहीं था। दूसरा, लोगों ने बताया कि इसके यहाँ कोई आता जाता था। तीसरा, कि इसके पति से बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। सर्विलांस वालों ने फौरन डिटेल स्टडी की और उसके बाद उनको बताया इंस्पेक्टर सुधाकर पांडे को कि एक नंबर फ्रीक्वेंट कॉलर की लिस्ट में सबसे ज़्यादा है, उससे बहुत लंबी लंबी बात, उससे दिन में 1-2 बार बात, घटना के पहले और घटना के बाद भी उसकी बात उससे हुई है। उसका जो नाम कैफ से और लोकेशन से उपलब्ध कराया गया, उसका नाम है अमित, सन ऑफ रमेश कुमार, रेजिडेंट ऑफ बनखंडी नाथ मंदिर, मोहल्ला जोगी खेड़ा, थाना बारादरी, जिला बरेली। इसके बाद मार्च के बाद ही 2020 में कोरोना का कहर शुरू हो गया था। सारी पुलिस कोरोना 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 और उसमें, और जब शुरुआत थी किसी को कुछ नहीं पता था, जब कंटेनमेंट जोन्स बनाए जाते थे पुलिस की बड़ी हैवी ड्यूटी लगाई जाती थी, जिस मोहल्ले में 2 लोग 3 लोग हो जाए वो चारों तरफ से बल्लियाँ लगा के उसको अवरुद्ध कर दिया जाता था, खाली भीतर जो ज़रूरी सामान की सप्लाई वाले वहाँ ने वही जा पाते थे, तो पुलिस बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई। लेकिन 2-3 महीने के बाद जब फिर इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछा जाने लगा, तो फिर इस व्यक्ति को थाने पर बुलाया गया, अमित सनाफ रमेश कुमार को। पहले तो उसने अनभिज्ञता प्रकट की, फिर CDR में उसकी और सुमन की जितनी बातें हुई थी उसके बारे में एक एक करके लोकेशन, टाइम और बात करने का ड्यूरेशन जब उसको बताया गया, तो थोड़ी देर में वो बात उसने शुरू की। उसने कहा कि मृतक की पत्नी अनीता और वो यानी जो लड़का था अमित सनाफ रमेश, ये दोनों एक साथ एक ही क्लास में, एक ही सेक्शन में पढ़ते थे, और शुरुआत में ही जब ये पढ़ते थे तो दोनों में प्रेम संबंध हो गया। जब घर वालों को इसकी भनक लगी तो उसके घर वालों ने उसकी शादी कर दी,
मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। ये दोनों ही शादियां हम लोगों की इच्छा के विपरीत हुई, हम लोगों के तमाम रेजिस्टेंस के बाद हुई, लेकिन समाज और परिवार का दबाव इतना था कि हम कोई उसमें विद्रोह नहीं कर सके, हम मना नहीं कर सके। शादी के बाद सुमन के यहाँ ये जब पहली बार गया, तभी इसके वापस आने पर सुमन को उसके ससुराल वालों ने बताया कि ये कौन था। सुमन ने बताया कि मेरे साथ पढ़ता था। ससुराल वालों को ने आपत्ति की कि जिस व्यक्ति को हम लोग नहीं जानते, ये तुम्हारे साथ पढ़ता था तुम जानती होगी, लेकिन हम इसको नहीं जानते हैं, तो जिसको हम लोग नहीं जानते हैं वो यहाँ पर नहीं आएगा, जब तुम मायके जाना तब इसको बुला के मिल लेना, लेकिन ये यहाँ पर नहीं आएगा। गांव में 10 लोग हैं, 4 लोग क्या कहेंगे, हम किसका किसका जवाब देंगे। सुमन ने ये बात अमित को बताई कि बहुत बवाल हो गया तुम्हारे आने के बाद, और ये कहा गया कि ये किसी कीमत पर नहीं आएगा। ये बात सुनते ही अमित ने कहा, इसका मतलब हम लोग नहीं मिल पाएंगे। अगर तुम ससुराल में ही रहोगी, हमें ससुराल जाने में बंदिश तुम्हारे ससुराल वालों ने लगा दी, तो हम कैसे मिल सकते हैं, और तुम कोशिश करो कि तुम अपने मायके रहना शुरू करो। तुम्हारे मायके में मुझे सब लोग जानते हैं, तुम्हारी माँ भी जानती है, तुम्हारे भाई भी जानते हैं, क्योंकि हम बचपन से तुम्हारे यहाँ आते जाते रहे हैं। उसी दिन सुमन का अपने ससुराल वालों के प्रति व्यवहार बदल गया। वो बात बात पर झगड़ा करने लगी। पहले तो वो दबाव डालने लगी अपने पति संजीव के माध्यम से कि हमारा हिस्सा अलग करें, हम अपना मकान अलग बनवाएंगे, हम अलग रहेंगे। लेकिन फिर पूरा परिवार एकजुट हुआ और उन्होंने कहा कि ये संयुक्त परिवार है, इस तरह की बात यहाँ नहीं की जा सकती, और जब संयुक्त परिवार हैं तो अकेले तुम्हारा हिस्सा कैसे अलग किया जा सकता है। इसी बात पर बात बढ़ने लगी और रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़े से होने लगे। इस लड़ाई झगड़े से आज ही जाकर संजीव ने ये कहा कि चलो अब हम तुम्हारे मायके ही चलते हैं, यानी हम अपने ससुराल चलेंगे, जब यहाँ थोड़ा माहौल शांत हो जाएगा तब यहाँ आएंगे, ये रोज़ रोज़ की झिकझिक से हम परेशान हो गए हैं। सुमन यही चाहती थी। सुमन फौरन अपने पति के साथ वहाँ से अपने मायके चली गई। इधर सुमन के गांव मनिहार गोकुल नगला में ही अमित की ननिहाल भी थी। जो सुमन का मायका था वही उसके प्रेमी अमित का ननिहाल था। वो वहाँ रहने लगी और अमित ज़्यादातर टाइम अपने ननिहाल में रहने लगा। इस तरह से दोनों ने मिलना जुलना सुनिश्चित कर लिया कि हम लोग मिलते रहेंगे, बेशक हम लोगों की शादी हो चुकी है। सुमन बार बार अमित पर ये दबाव डालती थी कि तुम अपनी पत्नी से तलाक ले लो। अमित हर बार जाता था, प्रयास करता था, लेकिन परिवार और समाज का इतना बड़ा दबाव था कि वो तलाक की बात यानी डाइवोर्स की बात उससे नहीं कर पाया। इसी बीच अमित ने फिर बताया कि इसी बीच सुमन गर्भवती हो गई और उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। ये पुत्र मेरा था, हम और सुमन इस बात को जानते थे, लेकिन हम लोगों ने ये तय किया था कि हम ये बात किसी और को नहीं बताएंगे, क्योंकि इस बात का किसी और को पता लगते ही फिर हम में से दोनों में से किसी एक का नुकसान होना तय है। 3-4 साल हो गए, बेटा भी हो गया, संजीव का अपने बेटे के प्रति रुझान और हो गया। उसको गरीब को ये नहीं पता था कि बेटा किसका है, वो बेटे से बहुत ज़्यादा उसका लगाव हो गया और इसी वजह से अब वो अपनी पत्नी सुमन से बार बार दबाव डालने लगा कि अब तो बेटा भी हो गया है, अब किसी को क्या लेना देना, हम लोग वापस अपने घर चलेंगे। सुमन किसी भी तरह से वहाँ जाने को तैयार नहीं थी। सुमन संजीव अपने घर पर जब जाने का दबाव डालने लगा तो सुमन ने अपने भाइयों को बताया और भाई और सुमन की माँ दोनों मिलके प्रताड़ित करने लगी कि तुम अपने घर नहीं जाओगे, यहाँ क्या कमी है, यहीं काम धंधा करो। लेकिन फिर भी वो जब भी अकेला होता था सुमन से यही कहता था कि यहाँ मन नहीं लग रहा है, अब चलो। एक बार उसने गुस्से में ये कह दिया संजीव ने कि ठीक है तुमको रहना हो रहो, मैं अपने बेटे को लेके अपने घर जा रहा हूँ। इसी पर सुमन ने गुस्से से कह दिया, बहुत बेटा बेटा कर रहे हो।
इस बच्चे को मैं पटक दूंगी, ये मर जाएगा, और तुम्हें जेल भिजवा दूंगी कि तुमने मारा है, तुम कहीं के नहीं रहोगे। संजीव एकदम से डर गया, क्योंकि संजीव अपने बेटे के लिए कुछ भी सुनना पसंद नहीं कर रहा था, इसलिए उसकी कभी उसके बाद दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी ये कहने की कि अपने घर चलेंगे। ये बात सुमन ने अमित को भी बताई कि बहुत ड्रामा कर रहा था, मैंने उसको ऐसी बात कह दी है, उसके बाद से वो चुप हो गया, एक भी शब्द नहीं बोलता है। सुमन ने उसको बताया कि मैंने कह दिया कि बच्चे को पटक दूंगी, तुम जेल चले जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। बात अमित ने सुन तो ली, लेकिन अमित को ये लगा कि इसके दिमाग में बात आई कैसे, और ये दूसरी तरह की महिला है, अगर उसने ऐसा कर लिया तो ये बच्चा मेरा है, और उसका उसको क्या हक है कि इसको मार दे, और हो सकता है संजीव से पीछा छुड़ाने के लिए वो किसी दिन गुस्से में ऐसा कर दे तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। अमित और सुमन ने मिलकर प्लान किया कि देखो, मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकता, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन तलाक देने की बात भी नहीं कर सकता, और अब धीरे धीरे संजीव हम लोगों के रास्ते में रोड़ा बनता जा रहा है, किसी दिन कोई न कोई बात खराब हो जाएगी, बेहतर है इसको अपने रास्ते से हटा दिया जाए, तुम यहाँ रहोगी, हम अपने ननिहाल रहना शुरू करेंगे, और हम दोनों लोग मिलते रहेंगे, और बात कभी आगे बढ़ी तो हम शादी भी कर लेंगे, क्योंकि मैं अपने बेटे से दूर नहीं रह पाऊँगा। यही हुआ भी। सुमन और अमित को ये पता था कि कभी कभी संजीव बाहर से शराब पी, घर में शराब कभी नहीं पीता था, बाहर से वो दोस्तों यारों के साथ शराब पी कर आता है, फिर आते ही खाना खाता है और सो जाता है। सुमन ने ही अमित को बताया कि जिस दिन वो शराब पी कर आएगा उसी दिन मैं तुमको बता दूंगी, उसी दिन इसको रास्ते से हटा दिया जाएगा, ध्यान रखना ये बात किसी को पता न लगे। वैसे ही हुआ, वो शराब पी कर आया, सुमन ने अमित को बताया कि आज उसने शराब खूब पी रखी है, मैं खाना देने जा रही हूँ, तुम बाहर आकर कहीं पर वेट करो, पेड़ों के नीचे जंगल में वेट करो, जैसे ही वो सोने चला जाएगा मैं तुमको बुला लूँगी, दरवाजे पे मैं खुद रहूँगी, आ जाना, आज इसको अपने रास्ते से हटा ही देते हैं। एग्जैक्टली यही हुआ भी। अमित तुरंत अपनी मोटरसाइकिल से उसके घर के सामने वाले एक छोटा सा जंगल है वहाँ आकर बैठा रहा। करीब 45 मिनट बाद, कॉल के हिसाब से 45 मिनट बाद, सुमन ने अमित को कॉल किया कि आ जाओ। अमित भीतर गया, सुमन दरवाजे पर खड़ी थी, दोनों भीतर गए। संजीव रजाई ओढ़कर सो रहा था, अमित वही उसके सीने पर बैठ गया और उसने रजाई के ऊपर से उसका गला दबाना शुरू किया। सुमन ने रजाई के ऊपर से ही उसका मुंह और नाक ये दोनों दबा दिया, और ये उस पर बैठ गई वो कि ताकि ये नाक या मुंह से सांस ना ले पाए। ये दोनों शब पर उस पे संजीव की ऊपर तब तक बैठे रहे जब तक कि संजीव का शरीर निढाल नहीं हो गया, वो मर नहीं गया। चूंकि कोरोना अपने उस समय शबाब पे था और अमित से बुलाकर बातचीत और पूछताछ करने में विलंब हुआ था, इसलिए इस केस को खुलने में भी विलंब हुआ, और घटना के लगभग 6 महीने बाद सुमन और अमित को गिरफ्तार कर लिया गया। सुमन से भी पूछताछ की गई, कॉल डिटेल के मुताबिक भी, और वैसे भी जो बात अमित ने बताई थी वो हूबहू सुमन ने भी बताई। धारा में 201 IPC की वृद्धि हुई और 31 अगस्त 2020 को, और इनको दोनों को जेल भेज दिया गया। 31 अगस्त 2020 को सभी साक्ष्यों, गवाहों के बयान, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और ये सब बरामद की गई। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब सीनियर ऑफिसर्स वहाँ पहुँचे तो बॉडी पे जाहिरा चोट के निशान नहीं थे, चालाकी की थी इन लोगों ने, मुँह और नाक भी दबाया लेकिन रजाई के ऊपर से, तो किसी तरह का इम्प्रेशन नहीं आ सकता था।
गला भी दबाया तो रजाई के ऊपर से, यानी ऊपर जो नीलगु निशान होता है वो उस पर बाहर से नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन थोरैक्स की हड्डियाँ टूट गईं, जो विंड पाइप होती है उसकी हड्डियाँ टूट गईं, जो पोस्टमार्टम में क्लियर हुआ कि थ्रॉटलिंग हुई है। तो चार्जशीट भेज दी गई, मृतक के सास और दोनों सालों का सालों की विवेचना में कोई संलिप्तता नहीं पाई गई और उनको विवेचना से निर्दोष कर बाहर कर दिया गया, जबकि सुमन और उसके प्रेमी अमित को जेल भेज दिया गया। ये दोनों आज भी जेल में हैं और ट्रायल का इंतज़ार कर रहे हैं। आज की घटना में अगर पूरी घटना पर नज़र दौड़ाएं तो पता लगेगा कि दो इनोसेंट कम उम्र के प्यार करने वालों को जब सामाजिक डर या दबाव से एक साथ नहीं रहने दिया गया तो दोनों में आपराधिक मानसिकता पुष्पित पल्लवित होने लगी। शादी के बाद ना तो अमित अपनी पत्नी के साथ न्याय कर पा रहा था, न सुमन अपने पति के साथ। ये दोनों ही अपराधी मानसिकता के और बढ़े और बढ़ जाने के प्रतीक हैं। बहुत चाहने के बाद भी अमित अपने पत्नी को डाइवोर्स नहीं दे पाया। दोनों एक दूसरे से मिलते रहे और उन्होंने उनकी आपराधिक जो मानसिकता थी वो धीरे धीरे और बढ़ती रही और उन्होंने ये अपराध का रास्ता निकाला ताकि वो मिलते रहें, उनके मिलने में कोई रुकावट न हो। इसलिए सुमन और अमित इस पूरी घटना में बराबर के दोषी हैं, ठीक 50-50% के दोषी हैं और दोनों का दोष और पाप बराबर का है। अगर मेरी इस राय या मेरी इस जो 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 मेरा ये मानना है इससे आप सहमत हैं और मुझे उम्मीद होगी आप सहमत होंगे, अगर नहीं सहमत होंगे तो हमें भी बताएं। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।